वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। आज हम आपकी हेल्थ के हवाले से बात करने वाले हैं। अस्थमा, बहुत सारे लोगों को इसका प्रॉब्लम भी होता है। वजूहात क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, किस तरह से आप इसको बेहतर कर सकते हैं, इसको ख़त्म किया जा सकता है, इलाज क्या है, सब पे बात करेंगे। और डाइट कैसी होगी ये भी हम आपको बताएंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर इरफान मलिक जो कि पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, और उसके साथ साथ डॉक्टर राजा यासिर होंगे जो कि जनरल फिजिशियन है, और उसके साथ साथ जवेरिया महमूद हमें ज्वाइन करेंगी जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं। तीनों को वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपकी तरफ आएंगे। डॉक्टर इरफान, हम चूंकि अस्थमा की बात करते हैं, अस्थमा बेसिकली है क्या? बिस्मिल्लाह। एक तो आई एम रियली थैंकफुल कि लाहौर न्यूज़ ने बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक इशू किया, और उस टाइम पे जब ये वर्ल्ड डे नहीं है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अस्थमा एक समझ ऐसी बीमारी है जो कि दायमी बीमारी है, जिसमें सांस की नालियों की सोजिश हो जाती है, और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये एक दायमी बीमारी है, जैसे मैंने कहा। और पाकिस्तान में ये बड़ी कॉमन है हमारी जो अस्थमा की प्रॉब्लम, इसमें सांस की नाली की सोजिश होती है, और ड्यूरिंग अटैक, जब अटैक होता है तब ये ज़्यादा होती है, और जब ये सिम्टम्स नहीं हो तो बिल्कुल स्टेबल भी हो सकता है पेशेंट, ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब आपकी जानिब आए, क्योंकि हम अस्थमा की बात करते हैं, बहुत सारे लोगों को इसका इशू होता है और कुछ ट्रिगर वाले एक वो कहने पॉइंट्स भी होते हैं। बेसिकली क्या सिम्टम्स हैं, और जिन लोगों को नहीं आइडिया अस्थमा, उन्हें इस तरह का कोई मेजर इशू है, उनको हवाले से देखें जी। कॉमन सिम्टम्स जो पेशेंट जिसके साथ हमारे पास प्रेजेंट करते हैं, वो सांस की तकलीफ होना, सांस में दुश्वारी महसूस करना, खांसी आना, ऐसी खांसी जो कि आम ट्रीटमेंट से रिजॉल्व नहीं होती और परसिस्टेंटली आती है, ये वो दो मेन सिम्टम्स हैं जिसके साथ अस्थमा के मरीज प्रेजेंट करते हैं। और बाकी जो ट्रिगर की बात आपने की, बहुत सारी एनवायरमेंटल चेंजेस हैं, जैसे आजकल स्मॉग है, आगे फॉग आ जानी है, फिर जिस तरह मौसम की तब्दीली है उसके साथ एसोसिएशन है, और ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि इस चीज़ को प्रेसिपिटेट कर देते हैं, इसको बढ़ा देते हैं। तो इन चीज़ों को जेहन में रखते हुए ऐसे मरीज़ों को एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए ताकि इन चेंजेस से उनका अस्थमा ख़राब ना हो। ठीक हो गया। जवेरिया, अस्थमा के पेशेंट्स की डाइट के हवाले से बात की जाए तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इनकी डाइट का हिस्सा नहीं बनाई जाती, क्या क्या है? बेसिकली आप ये देखें, जब भी सांस और इससे मुतल्लिका बीमारियाँ होती हैं तो उसमें डाइट का बिल्कुल अमल दखल होता है। और जैसे कि क्रॉनिक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ है, COPD है, या उसके रिलेटेड जो आपके सांस की डिफरेंट बीमारी है, उसका बचपन की भी किसी ना किसी साइंस एंड सिम्टम से लिंकेज होती है। लाइक टू से दैट कभी कभी बच्चे को चेस्ट कंजेशन होती है, जैसे आपको पता है सर्दियाँ जब आती हैं तो ये भी बहुत सी सांस की बीमारियाँ भी अक्सर लेके आती हैं, क्योंकि इसका भी डायरेक्टली आपके जो लंग्स के साथ ताल्लुक है। उसके अलावा जो लोग स्मोक करते हैं उनके भी लंग्स किस हद तक मुतासर होते हैं, और सांस के उखड़ने का मसला होता है। तो इसमें जहाँ पे खुराक की बात आती है तो 80-90% खुराक का भी इसमें बेहद मतलब अमल दखल है। वो चीज़ें जो कि जैसे पेपरमेंट हो गया, मिंट हो गया, फिर सेब का सिरका है, हनी है, गार्लिक है, वो तमाम चीज़ें जिनमें कुव्वत मुदाफ़त आपकी बॉडी को, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करती हैं, वो बहुत ज़बरदस्त हैं। क्योंकि जब भी आपको मतलब पल्मोनरी डिजीज़ आपको अटैक करती है तो आपका जो कुव्वत मुदाफ़त है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता। अगर आप उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं तो उतना ही बीमारी के होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अच्छा, हम अस्थमा की डॉक्टर फैन बात करें तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट तो बहुत सारे आपके उस पर आता है, ऑर्गन्स वगैरह पे भी। जब हम अपनी नॉर्मल रूटीन के बहुत सारे ऐसे काम कर रहे होते हैं, बहुत से इस तरह के पेशेंट्स को क्या हम कह सकते हैं बीमारी जेनेटिक भी हो सकती है, कुछ इसके अब दीगर रीजंस भी हो सकते हैं जिनकी वजह से इस पर बहुत सारे लोग इसका शिकार हैं? जी जी, पहले तो मेरे ख्याल थोड़ा सा हम इसका इम्पैक्ट देख लें कि कितना कॉमन है। तो तकरीबन 235 मिलियन पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड सफरिंग फ्रॉम अस्थमा, और इसकी डेथ जो है वो एनुअली ये तकरीबन 3,33,000 है। तो इसकी वजह क्या, ट्रीटमेंट की जी, कमी है? हाँ जी, मैं आपको वजह बताता हूँ। तो अस्थमा जो है बेसिकली इसको हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, इसको हमें मोस्टली इसकी अलामत को कंफ्यूज किया जाता है। और इसकी अलामत को अगर हम बात करें तो चार मेजर अलामत है, जिसमें से कुछ अलामत का होना कंपलसरी है, जिस तरह खांसी, सांस में सीटियों की आवाज़ करना, चलने से या सांस का फूलना, सांस की तंगी। और अगर इनमें से कोई भी अलामत स्पेशली किसी वक्त आए और किसी वक्त डिसअपीयर हो जाए, और ये वक्त से मुराद एक दिन में रात का होना, सुबह फजर के वक्त का होना, और एक साल में किसी मौसम में होना, लाइक किसी सीजन चेंज होने में हो जाए, कभी किसी एक्सपोजर से होना, गंदम की कटाई के बाद आ जाता है, एट दैट बिल्कुल ऐसे ही हार्वेस्टिंग सीजन जो होता है उसमें हो जाए, जब जो मौसम चेंज हो रहा था उसमें हो जाए, अब ये रिस्क फैक्टर लाइक स्मोक इसमें हो जाए, अगर ऐसा है और फिर कभी ऐसा मौसम मिल जाए कि वो ठीक हो जाए,
तो ये हमें तकरीबन 80% सस्पेक्ट कर लेना चाहिए कि ये अस्थमा ही है। ऐसा अस्थमा भी होता है जिसमें सिर्फ काफी होती है। मरीज जो है उनके कुछ मिसकंसेप्शन है, वो कहते हैं डॉक्टर साहब तुसी मैनू दमा लेबल करता, लेकिन मुझे तो सांस में सीटियों की आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन उसमें उसकी उस दमे की एक ही अलामत जो कि खांसी है वो ही ज़्यादा प्रेडोमिनेंट कर रही होती है। सो इस चीज़ को हमें गौर करना चाहिए कि ये चार अलामत, इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, खांसी, सांस में सीटियों की आवाज़ का आना, चलने से सांस का फूलना या सांस में तंगी, किसी वक्त, वो दिन के किसी वक्त भी हो सकती है या साल के किसी महीनों में भी हो सकती हो और कभी बिल्कुल ठीक हो जाए, इनमें से कोई एक अलामत भी हो, तो वो हमें शक डालती है कि मरीज को अस्थमा है। और आपका सवाल, सॉरी जो आपने मुझसे, अच्छा ठीक है, अच्छा मैं चाहूंगी मैं अनाउंसमेंट भी कर दूं साथ साथ कि हम कॉल्स भी ले रहे हैं, लाइव कॉल्स भी कर सकते हैं, वापस डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट दोनों मौजूद हैं। आप कोई सवाल करना चाहते हैं, खुदा ना खास्ता आप में से आपकी फैमिली मेंबर में से कोई अवेयरनेस के हवाले से हम आपकी हेल्प कर सके, तो हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर होगा, कॉल करें, सवाल करें, आपको जवाब मिल जाएंगे। डॉक्टर साहब मैं बात कर रही थी कि ये कुछ जेनेटिक होता है, क्या होता है? बिल्कुल, एक और दूसरा कॉमन मिथ इसका, इसके कोई दो नाम नहीं है। लोग कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे एलर्जी है, पिछले 10 साल से वो इसके साथ गुजारा कर रहे हैं। द डे हम उनको बताते नहीं जी आपको दमा है, तो डॉक्टर साहब तुसी दमा कह रहे हो, 10 साल तो एलर्जी है। एलर्जी एंड दमा ये एक चीज के ही दो नाम है। अच्छा। आप में कुछ हद तक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन यानी जीन में थोड़ा प्रॉब्लम होना कंपलसरी है, उसके ऊपर कुछ फैक्टर आ जाएंगे, दैट कुड बी एनवायरमेंटल फैक्टर, दैट कुड बी जैसे जवेरिया ने कहा दैट कुड बी अ न्यूट्रिशनल फैक्टर, जो कि उन अलामत को बढ़ा देंगे। जीन का होना यानी आपके फैमिली मेंबर्स में, आपके पेरेंट्स में, आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में इसका होना किसी हद तक कंपलसरी है। और वो सारी अलामत जरूरी नहीं कि उनमें हो, ये भी अलामत हो सकती है कि किसी को सिर्फ सीजनल नज़ला ज़ुकाम हो आपकी फैमिली में, जिसको हम एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं, किसी को सिर्फ स्किन पे एलर्जी हो, अर्टिकेरिया कहते हैं, किसी को फुल ब्लोन अस्थमा हो। तो इन अलामत में से किसी का अलामत भी अगर का होना आपकी फैमिली में है, तो हो सकता है कि वो आप में अस्थमा की शक्ल में बाहर आए। तो एक हद तक ये एक जीन में पाई जाती है, लेकिन ये जहन में रख लें कि ये खांसी करने से ये ट्रांसफर नहीं होती, उसके साथ सोने से, उसके साथ बैठने से अस्थमा ट्रांसफर नहीं होता। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं परवीन मसूद बोल रही हूँ। जी परवीन मसूद, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैंने ये डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी जी। कि मेरी ना मेरे नवासे को अस्थमा है। अच्छा, वो देखे एज क्या परवीन मसूद साहब उसकी? एज उसकी क्या है? 2 माह। 2 माह। अच्छा सुन, आप सुन तो लेना पूरी बात। जी जी सुनाए सुनाए, हम सुन रहे हैं। असल में दादी को अस्थमा था, ना माँ को है ना बाप को है, वो पोते पे आ गए, अब क्या करें? ठीक है, तो इस सिम्टम्स क्या है उसको, आपको कैसे फील हुआ, कि डॉक्टर ने कहा है आपको? हाँ जी डॉक्टर ने कहा, कनाडा में रहती है, वहाँ डॉक्टर ने कहा इसको अस्थमा है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग प्रवीण मसूद साहब। 2 मंथ का किड को अस्थमा लेबल करना अभी तक हमने नहीं पढ़ा। अच्छा। There is a cut of line. She was saying he is in Canada. Yes, मैं थोड़ा सा हम बाहर की बुक की पढ़ते हैं, तो मैं अच्छा। स्पेशल पढ़ता हूं कि 6 मंथ तक हम वेट करते हैं। अच्छा ठीक है, क्योंकि ये लंग ग्रोइंग एज है। ओके। इसमें अलामत जरूर होती है, दैट ऑटो सेटल। 2 ईयर्स तक हम उस पेशेंट को कुछ मेडिसिन दे सकते हैं, आफ्टर 2 ईयर विद कॉन्फिडेंस वी कैन से कि ये अस्थमा है। और वो कॉन्फिडेंस कहाँ बात है कि अगर इसी बच्चे को 1 साल में 3 दफ़ा से ज़्यादा ऐसे एपिसोड हों जिसमें सांस में से सीटियों की आवाज़ आए इन्फेक्शन के बाद, और जो नेबलाइजेशन से बेहतर हो, और ये अगर 3 एपिसोड हो जाएं, इनको हम वीजी चाइल्ड कहते हैं, पहले 2 साल, और 3रे साल के बाद हम उसको अस्थमा डिक्लेयर करते हैं। दिस इज वट इज़ रिटन इंटरनेशनली गाइडलाइन जो हम फॉलो करते हैं, जिसको जीना गाइडलाइन कहते हैं। क्या उन्होंने कोई टेस्ट किए हैं? जैसे जेनेटिक टेस्ट कर सकते हैं, तो अगर उनके ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर को है तो प्रोबेबिलिटी है कि इसको हो जाए, बाकियों को ना हो। उसकी वजह ये है कि क्या वो ऐसे एनवायरनमेंट से एक्सपोज हो गया जिसमें वो एलर्जन थे, जिसने एग्रीवेट कर दिया। बट अभी थोड़ा अर्ली है, अभी इस चाइल्ड को हम वीजी चाइल्ड कहते हैं, अस्थमा डिक्लेयर हम 2 ईयर्स के बाद कहते हैं। इस पर आई रखनी पड़ती है, इसको आपको प्रॉपरली मैनेज करना पड़ता है, यूजली एंटीबायोटिक्स नहीं देनी पड़ती, ये जहन में रखें, ये सेल्फ रिमिटेंट होता है और यूजली 3 हफ्ते में बेहतर हो जाता है। बट अगर ये एपिसोड 2 ईयर्स के बाद 3 टाइम्स ज्यादा इन अ ईयर हो, तब हम कॉन्फिडेंटली इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? जी देखिए, मेरे ख्याल से इरफान ने वर्ड यूज़ किया कंट्रोलेबल, कंट्रोलेबल से पहले एक वर्ड हम ज़रूर यूज़ करना चाहेंगे एंड दैट इज़ प्रिवेंटेबल। ठीक है। सो आप बहुत सारी चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे अस्थमा के पेशेंट को पता होता है कि मुझे किस किस चीज़ से प्रेसिपिटेट हो जाता है, किस चीज़ से मेरा अस्थमा ख़राब हो। तो अगर आप बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, बाइक पे जा रहे हैं, रिक्शे पे जा रहे हैं, तो वेयरिंग अ मास्क इज नॉट अ बिग डील। आप मास्क पहन के बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं।
ان خاتون کو چاہیے کہ دیکھیے کہ ان کے گھر میں ونٹرز میں کوکنگ کے دوران کیا ایگزاسٹ آن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ گھر میں کرتے ہیں, اور ونڈوز اپنی بند رکھتے ہیں یہ کہ نہیں رکھتے, کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ اگر وہاں ڈسٹ ہوتی ہے یا ٹیمپریچر چینجز بہت زیادہ ہیں تو ان کا استعمال ورس ہو سکتا ہے. تو پہلے تو آپ پریونٹ کریں جی. اس کے بعد جیسے عرفان نے کہا کہ ہم اسے کنٹرول کر سکتے ہیں دوائیوں کے ساتھ, تو دوائیاں ضرور لیں. اور آسٹھما کے مریض انفارچونیٹلی بہت سارے لوگ جو اسپیشلسٹ کے پاس نہیں جاتے, ان کو انہیلر یوز ہی نہیں کرنا آتا. آپ بلیو کریں گے, لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں تین تین انہیلر دیے ہوئے ہیں لیکن ہمارا سانس ٹھیک نہیں ہو رہا. اور جب آپ ان سے اپنے سامنے بیٹھ کے اس کو پرفارم کراتے ہیں تو ان کو انہیلر یوز ہی نہیں کرنا آتا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کو آسٹھما ہے تو آپ ایک دفعہ اسپیشلسٹ کو ضرور ملیں تاکہ اس سے یہ چیز سیکھیں, بیکاز وہ 90% دوائی ان کے گلے میں ہی رہ جاتی ہیں, دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو میک اے پف اور انہیل اٹ. تو دوسری بات یہ کہ جی جیسے انہوں نے سوال کیا کہ دو ماہ کا بچہ ہے اس کو آسٹھما ارلی لیبل کر لینا از بیڈ. آپ کو پہلے یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ آیا آسٹھما ہے بھی کہ نہیں, اور کم از کم 4 سال تک ڈائیگنوسز جا کے بنتا ہے آسٹھما کا, اس سے پہلے ہم اس کو آسٹھما نہیں کہتے. اچھی بات ہے, ان خاتون کو یہ ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دو طرح کے آسٹھما ہیں, ایک ارلی آن سیٹ ایک لیٹ آن سیٹ. ارلی آن سیٹ وہ ہے جو بچوں میں آتا ہے, اور اس کی اچھی خوبی یہ ہے کہ بائی دا ٹائمز دے کراس دیئر ٹین ان کے اندر آسٹھما عموماً ختم ہو جاتا ہے. اور لیٹ آن سیٹ وہ ہے جو کہ 30 سے 35 سال کے بعد شروع ہوتا ہے, اور اس کی بری بات یہ ہے کہ اٹ پرسسٹ اینڈ اٹ گیٹس ورس. تو اچھی بات تو یہ ان کالر کو یہ سمجھنی چاہیے کہ جی ہوپ فلی بائی دا ٹائم ہی گوز ان ٹو دا ٹینز اٹ کین کلیئر آف. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے. ہمارے نیکسٹ کالر ہیں جی, مریم. السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو گئی ہے جی. جویریہ, تھوڑی سی ڈائٹ کے حوالے سے بھی بتا دیں ہمارے جو کالرز تھے. ایک تو وہ تو ارلی انہوں نے بتایا کہ بہت جلدی. جی بالکل, میں ان کے ساتھ ڈاکٹر عرفان کے ساتھ بالکل ایگری کرتی ہوں اس بارے میں, کہ اس میں بالکل پتہ نہیں چلتا کہ ڈیٹیکشن ہے کہ نہیں 2 منتھ. بالکل اسی طرح. ٹھیک ہے, اچھا تو ڈائٹ کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں, جس طرح سے ہمارے پہلے کالر تھی ان کی وائف کو پرابلم تھا. جی یہاں پہ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جو اسینشیل آئلز ہوتے ہیں, کیونکہ اسینشیل آئل جب بھی آپ اپنی ڈائٹ میں ایڈ کرتے ہیں تو وہ آپ کو ڈفرنٹ قسم کی بیماریوں سے بچاتے ہیں. جیسے کہ چیا سیڈز ہیں, فلیکس سیڈز ہیں. فلیکس سیڈ اگر فلیکس سیڈ کی بات کی جائے تو اومیگا 3 انرچ ہوتے ہیں, اور پلانٹ بیسڈ پروٹین سورسز ہیں. تو پلانٹ بیسڈ پروٹین سورسز کی طرف ہم جب بھی جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کی باڈی میں وہ امیون بوسٹر ہوتی ہے, میٹابولزم ریگولیٹ کرتی ہے, اور ساتھ میں ڈیزیز پریونٹیو ہوتی ہے. تو جیسے کہ پاکستان میں مطلب ویسے بہت کم رجحان ہے سیڈز کا اور اسینشیل آئلس کے لینے کا, پر میں یہ کہتی ہوں کہ جہاں پہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہمیں پلانٹ بیسڈ پروٹین سورسز دیے ہوئے ہیں, لائک ٹو سے دیٹ جیسے لینٹنس ہیں, دالیں ہیں, اس کے علاوہ مطلب سبزیاں بھی آ گئیں, یا پھر اس کے علاوہ اسینشیل آئلز ہیں جیسے کاٹن سیڈ آئل ہے, اولیو آئل ہے, زیتون کا تیل ہے, سیسمی سیڈ ہے, فلیکس سیڈ آئل ہے. تو ان تمام چیزوں کو اگر آپ کسی نہ کسی پراپر مطلب ایک مقررہ مقدار میں مقررہ وقت پہ اگر استعمال کرے تو آپ ہیلتھ گولز اچیو کر سکتے ہیں. آن دا ادر سائڈ آپ یہ دیکھیں کہ جو اگر اسپنچ, بیٹ روٹ اور کیرٹ جوس بھی اچھا ہے, وہ بھی سانس کے مسائل کے لیے اچھا ہوتا ہے. اور جو اسپیسیفکلی اس میں موسٹ امپورٹنٹ تھنگ یہ ہے کہ جو ایپل ہے وہ بھی ڈائبٹک پیشنٹس کو بہت حد تک ہیلپ آؤٹ کرتا ہے, کیونکہ ایپل میں بھی ایسے اینٹیجنز اور اینٹی باڈیز پائی جاتی ہیں جو کہ سانس کے مسائل کو حل کرتی ہیں. آن دا ادر سائڈ اگر اس میں ایڈ کیا جائے تو اس میں فائبرس فروٹس بہت ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس ٹو, اور اس کے علاوہ فائبرس جو ہمارے سیریلز ہیں. مارننگ میں اگر آپ ایک فروٹ مطلب یو شوڈ ہیو ٹو ٹیک اے بیلنس ڈائٹ جس میں آپ کے پاس کاربوہائیڈریٹس, فیٹس, پروٹینز, سارا کچھ بیلنس ڈائٹ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ کالر جی ہمیرا, السلام علیکم. جی ہمیرا کیا کہنا چاہیں گی؟ میں ڈاکٹر عرفان سے بات پوچھوں گی کہ ڈاکٹر میرا بیٹا 10 سال کا ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی, اس کو پہلے تو پیدائشی تو اس طرح دمے کا نہیں تھا, لیکن اب اس کو کچھ ہٹنے سے کچھ زیادہ ہی ہے, اور موسم جب چینج ہوتا ہے تو اس میں اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے. اسے مائٹی کا ٹیبلٹ بھی دیتی ہوں 4 mg کی, اس میں ڈاکٹر نے دی ہوئی ہے, لیکن اب اس کو نا فلو اس قدر ہو جاتا ہے اس کھانسی کے ساتھ ساتھ, اور وہ اتنی حالت خراب کی آنکھیں تک سوج جاتی ہیں اس کی. تو جو ڈاکٹر نے مجھے میڈیسن دی ہوئی ہے اس کو کہ آپ نے یہ چیزیں دینی ہے اس کو میڈیسن, وہ میں باقاعدگی سے دیکھتی ہوں اس کو, لیکن اس کے باوجود یہ کہ اس کا نا ایک عرصے تک رہتا ہے یہ سلسلہ, پھر اس کو کچھ جیسے انڈے سے الرجی ہے,
अंडा बिल्कुल नहीं देती हूँ मैं उसको, लेकिन ये कि कुछ अर्से तक उसके साथ ये प्रॉब्लम रहती है, स्कूल जाने वाला बच्चा है, फिर स्कूल से छुट्टी वगैरह करवानी पड़ती है। तो डॉक्टर से मेरा सवाल है कि कितने अर्से तक का ये सिलसिला रहता है और इसको इसकी कोई खास ऐसी दवाई जो फौरी तौर पे इसके लिए बेहतर हो जाए। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, मेरा भी आपको जवाब लेते हैं। जी डॉक्टर साहब, चलिए ठीक है, मतलब मैंने क्वेश्चन पूछा नहीं उससे, लेकिन ठीक मोस्ट लाइकली सस्पिशन ठीक है कि उसको अस्थमा है, मैं ये मान लेता हूँ वो बात कर रहे हैं, तो जो ट्रीटमेंट है वो सब ऑप्टिमल है। ठीक है, एक तो डोज जो बताई वो इस एज में इसको 5 mg का होना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, वो एड ऑन थेरेपी है, वो प्राइमरी ट्रीटमेंट नहीं है, यानी जो बेसलाइन ट्रीटमेंट उनको मिलनी चाहिए वो 2-3 फॉर्म में हम दे सकते हैं, या तो इनहेलर फॉर्म में वो लें, वो रेगुलर लें, या वो पाउडर फॉर्म में कैप्सूल होता है जिसको एक डिवाइस में डाल के खींचा जाता है, और तीसरा भी कैप्सूल है जो कि प्री फिल्ड होता है ऑलरेडी। इन तीनों डिवाइस में से कोई भी डिवाइस जो उनको लिए सूटेबल है उसको वो रेगुलर स्टार्ट करें, दैट इज द बेसिक मेडिसिन। और ये तो उनके कुछ जो डॉक्टर है जिनसे अब तक कंसल्ट करती आ रही है उनको भी आइडिया होना चाहिए कि ये थोड़ा बेसिक नहीं, सारा नहीं आइडिया हो सकता, फिर हमारा क्या फायदा हो रहा है। इसलिए मैंने जोर दिया कि यू शुड सी अ स्पेशलिस्ट, आप स्पेशलिस्ट को जरूर दिखाएं, दे नो द डिजीज मच बेटर देन एनीवन। वो बेचारा ठीक है, वो इतना देना चाहिए, वो बाकी क्योंकि वो पल्मोनोलॉजिस्ट को दिखाएं, डेफिनेटली वो स्टेप अप करेंगे। इसकी जो ट्रीटमेंट है ना प्लान, इसको जरा समझें कि ये स्टेप अप है, ये स्टेप्स के में रखा जाता है कि अगर हम एक पेशेंट को 5 स्टेप पे रख रहे हैं तो हम उसको 4 वीक्स के बाद फॉलोअप पे बुलाते हैं। 4 वीक्स के बाद अगर हम समझते हैं कि हमारी मेडिसिन से इन 4 क्वेश्चंस का जो हम उससे पूछ रहे हैं कि आपको रात को अलामत हैं, दिन टाइम है, फिजिकल एक्टिविटी के दौरान है कि नहीं है, या आप अपना जो रेस्क्यू इनहेलर है वो कितनी दफ़ा ले रहे हैं, अगर उसका आंसर आता है कि जी मैं बिल्कुल स्टेबल हूँ, तो हम उसको स्टेप डाउन कर देते हैं। स्टेप डाउन करते करते अ लेवल कम जब वो मिनिमम मेडिसिन पे मैक्सिमम कंट्रोल पे होता है, दिस इज आवर टारगेट। अभी तक जो मुझे अंदाजा हुआ है उनकी इस बात से, एक तो उनको अभी जो उन्होंने, क्योंकि मैंने सवाल पूछा था आप और मेडिसिन कौन सी ले रहे हैं, तो वो हम नहीं पूछ पाए, तो और मेडिसिन कौन सी ले रहे हैं, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर वो इनहेलर भी ले रहे हैं तो बिल्कुल यासर वाली बात होगी कि वो ऑप्टिमल ले ही नहीं रहेंगे इसके तरीके से। ठीक है, अच्छा हम इस बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, मजीद भी अवेयरनेस देंगे आपको जनाब, अगर आप कॉल करके कुछ पूछना चाहते हैं मेरे पास पैनल मौजूद है, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए जागो लाहौर।